नमस्कार जनसंवाद में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी सर्वे निकल के आ रही है बिहार से, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं करवाए हैं। बिहार का ये सर्वे निकलते ही भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सिर दर्द बढ़ गया है। दरअसल ADR के सर्वे में बिहार में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि BJP को सबसे ज़बरदस्त घाटा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, राजनीतिक रूप से मुखर बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक तरफ महागठबंधन मजबूती से ताल ठोक रहा है, तो दूसरी तरफ BJP की अगुवाई में NDA प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए हर दांव पेच चला जा रहा है। BJP का दावा है कि इस बार सहयोगियों को मिलाकर NDA बिहार में खाते में बिहार की 40 में से 30 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन राजनीतिक सुधारों पर नज़र रखने वाली संस्था ADR भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ADR के सर्वे के मुताबिक बिहार के वोटर रोजगार, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधा समेत तमाम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज से नाखुश हैं। बिहार के मतदाताओं की पहली प्राथमिकता रोजगार है और सर्वे में 49.55% वोटर इस पक्ष में खड़े नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने रोजगार सृजन के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर नाराजगी जताई। 5 में से सिर्फ 2.5 अंक ही दिए, यानी औसत से भी कम था। सर्वे के मुताबिक जहां बिहार के शहरी मतदाताओं ने रोजगार और पीने के पानी को अपनी पहली और दूसरी प्राथमिकता बताई है, दूसरी तरफ ग्रामीण मतदाताओं के लिए रोजगार और फसलों की सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम पहली और दूसरी प्राथमिकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि शहरी और ग्रामीण मतदाताओं ने अपनी दोनों प्राथमिकता पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम को औसत से भी कम माना है। इसमें उनकी नाराजगी साफ जाहिर होती दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि बिहार में 7 चरणों में 40 सीटों में मतदान होना था। आज 5वें चरण के 6 मई को मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी में मतदान हुआ है। लेकिन इससे पहले जो ADR की रिपोर्ट आई, उससे BJP की अंदरूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए अब पूरी तरीके से बची खुची सीटों पर पूरी तरीके से प्लान बना रही है। लेकिन जिस तरीके से ADR की रिपोर्ट आई है, उससे BJP पूरी तरीके से हिली हुई है और माना जा रहा है UPA का जो गठबंधन है, उससे कहीं ना कहीं NDA का गठबंधन हारती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो सीटें निकलेंगी, जो सीटें हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका होता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को भी इसमें झटका होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो मुद्दे रोजगार के थे, किसानों के थे, उसमें फेल बताया जा रहा है और ADR के मुद्दे में नाराजगी साफ साफ जाहिर दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें कि क्या वाकई में जो सरकार ने 5 साल पहले वादे किए थे, उन सब में फेल है या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।